मैं यहाँ पर हिमाचल कैबिनेट की बात कर रही हूँ, तो फिर वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तब वहाँ पर महिलाओं की ध्यान, तब यहाँ पर महिलाओं का ध्यान नहीं आता, और बल्कि कांग्रेस की अगर बात करूँ तो उन्होंने उम्मीदवार तक नहीं दिया है कोई महिला। नहीं, मैंने एक फैक्ट अभी अगर मैं पहले बोला तो मैंने बताया था, उसे सबने अनसुना कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है महिला अस्मिता के लिए नहीं, बीजेपी की अस्मिता के लिए लड़ा जा रहा है। बीजेपी की इज्जत बचाने के लिए यह बहस हो रही है। अच्छा। महिलाओं की अस्मिता के लिए नहीं हो रही है। मैंने एक फैक्ट रखा था कि हम 62 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमने 11 महिलाओं को टिकट दिए हैं, और बीजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उन्होंने कुल 5 महिलाओं को टिकट दिए हैं। क्यों? किसी ने भी ना तो अनिला जी ने जवाब दिया, ना ममता जी ने दिया, ना आपने ये सवाल उठाया कि भाई उन्होंने कुछ कहा है उसका जवाब। मैं दूसरा फैक्ट रखता हूँ, आपके सवाल, मैं दूसरा फैक्ट रखता हूँ, मांग लिया था हिमानी जी, दूसरा फैक्ट रखता हूँ मैं। ये जो इनका स्वाति मालीवाल का जो केस हुआ, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह बोले उसके पक्ष में, फिर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी बोली। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला के लिए हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनके सहयोग के लिए उनका समर्थन, लेकिन वही 5 दिन बाद आतिशी सिंह आ जाती हैं और कह देती हैं कि ये बीजेपी से मिली हुई हैं, उनकी व्हाट्सएप चैट चेक कर लीजिए। हमारे बोलने पे क्या आपत्ति है? और को तो आप किसी को टोक नहीं, मैं सिर्फ सर यहाँ पर करेक्ट कर रही हूँ कि 5वें दिन ये भी आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात। अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं दोनों पार्टियों का अंतर बता रहा हूँ, लेकिन जो हमारे देश की शान बेटियां जो अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीत के आई, जो प्रतिभाशाली बेटियां कई महीने तक जंतर मंतर पर बैठी रहीं, पिटी, अगर बीजेपी के एक भी आदमी के मुंह से एक शब्द निकला हो, किसी प्रवक्ता, किसी समर्थक, किसी राजनीतिक समीक्षक, किसी के मुंह से एक शब्द निकला हो, तो मुझे आप उदाहरण दे दीजिए। तीसरी बात इन्होंने उठाई अभी उनकी सुप्रिया सिंह नेत की, देखिए उन्होंने, ये जो इनके प्रवक्ता है संबित पात्रा ने एक बात कही कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन थोड़े देर 24 घंटे बाद हालांकि सफाई दी उन्होंने, उन्होंने माफी मांग ली, कहा मेरी जीभ फिसल गई थी, तो हमने वो मुद्दा छोड़ दिया। बस जब आदमी गलती मान रहा और जीभ फिसल गई, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जब सुप्रिया सिन्नेत कह चुकी है कि मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, मैंने वो ट्वीट नहीं किया था, उनकी टीम के किसी आदमी ने किया था, तो विषय खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी उधर से लगातार उसे उठाएंगे। ये केवल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की अस्मिता की लड़ाई लड़ी जा रही है, महिलाओं की अस्मिता की नहीं। ये बीजेपी की अस्मिता की लड़ाई है, महिलाओं की अस्मिता की लड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ पहली बात तो मैं मिस्टर अत्रे को ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी मैंने अभी प्रज्वल रवैना मामले में बोला है, इनकी आंखें शायद खुल गई होंगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस का क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो पीएम को चिट्ठी लिखने के लिए नहीं, जो जो चीजें मैंने गिनवाई है वो कांग्रेस की सरकार को करनी चाहिए। अब मैं भाटी जी के प्रश्न का एक जवाब देती हूँ। सुप्रिया सिन्नेत वाले में राजकुमार भाई ने बोला, राजकुमार भाई बड़े विद्वान आदमी है, जो बोलते हैं बढ़िया ही बोलते हैं, लेकिन राजकुमार भाई, सुप्रिया सिन्नेत ने माफी तो मांग ली और मैडम जी ने बोला कि मेरी टीम है, मेरी टीम में से किसी ने कर दिया था ट्वीट। राजकुमार भाई, आज तक पता नहीं चला वो कौन था टीम वाला, आज तक उस टीम वाले को ना तो ये पता चला है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, ना उसको सामने लाया गया है। ऐसा कौन सा टीम है, ऐसी कौन सी मतलब करोड़ों लोगों की टीम चला रही है सुप्रिया सिन्नेत के, एक व्यक्ति पता नहीं चला पाया, और वो कांग्रेस पार्टी का पूरा सोशल मीडिया संभालती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनकी टीम में जो भी होंगे जिम्मेदार लोग होंगे ना, वो मैडम से पूछ के कुछ ना कुछ करते होंगे, पूरी पार्टी का दारोमदार, राहुल गांधी का दारोमदार उनके कंधे पर है, तो ऐसे इमेच्योर लोग उन्होंने रखे हुए हैं कि कुछ भी लिख देते हैं इनसे बिना पूछे हुए। कैसी बात कर रहे हो राजकुमार भाई आप, ये बात ना हजम होने वाली नहीं है। आप भी जानते हो कि वो झूठ बोल रही है, आप भी जानते हो राजकुमार भाई कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ। अभी आप गठबंधन में है, आप इंडिया अलायंस में है, आपकी मजबूरी है, मरता क्या नहीं करता, आप करना है, लेकिन ये गलत है, ये अर्थ का अनर्थ है। संजय जी कह रहे हैं कि पक्ष पूरा गलत है और जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते वो सारे ही गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी बात करिए ना, आपसे जो मैंने सवाल पूछा, हथरस पे चुप्पी, पहलवान महिला खिलाड़ियों पे चुप्पी, आप उन्नाव पे चुप्पी, आप रुक जाइए नहीं नहीं मेरे को बोलने दीजिए। अच्छा, अब आप पूछ मतलब रहे मैं ना बोलूं, अब आप नहीं, तो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आप सवाल पूछ रहे हैं, पूरी हो जान दीजिए बात मेरी ना। हाँ, यदि आप हथरस पे चुप्पी, किसानों को आपने आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुचल दिया उस पे चुप्पी, आपके बृजभूषण शरण सिंह के मामले पे चुप्पी, आप हर जगह चुप्पी लेके विपक्ष का कहीं चुप्पी क्या, टिकट दे दी, बता दिया टिकट दे दी, बेटे को टिकट दे दी, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, मैं क्या बोल रही हूँ, आपने प्रज्वल के ऊपर जो आपने बात किया,
भारतीय जनता पार्टी को जरा सजेशन दीजिए ना, गृह मंत्री जी को, वो बोले इस बात को। नहीं देखिए, ये इस पे आई टेक ऑब्जेक्शन, आप जाके अरविंद केजरीवाल को दीजिए सजेशन, आप जाइए और अरविंद केजरीवाल को सजेशन दीजिए, आप जाइए अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं को पिटवा रहे हैं अपने घर के अंदर उनको सजेशन दीजिए, आप अरविंद केजरीवाल को सजेशन दीजिए। देश के आदरणीय गृह मंत्री बहुत कैपेबल है, आप सारे जितने भ्रष्टाचारी और महिला विरोधी है उनके खिलाफ वो एक्शन ले रहे थे और लेते रहेंगे, इसीलिए तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम से आप लोगों की आत्माएं हिलती हैं। आपकी हिम्मत है तो जाइए ना केजरीवाल जी को बोलिए कि स्वाति मालीवाल से पैर पकड़ के माफी मांगे। आप जरा स्वाति मालीवाल पर बात कीजिए, स्वाति मालीवाल को क्यों पिटवाया इस पर बात कीजिए, स्वाति मालीवाल के बटन कैसे टूटे उससे आपके मंत्री बात करते और आप यहाँ बचाने आ जाते। आप मुझसे बात करेंगे, आप मुझसे बात करेंगे, अरे रहने दीजिए संजय भाई, छोड़ दीजिए, ये आपका नैरेटिव नहीं चलने दूंगी मैं, ये महिला विरोधी नैरेटिव नहीं चलेगा। और देखिए आज बात हो रही है कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए, ये बोला कि उनके ये बात करेंगे हर विषय की, लेकिन जो विषय आज है डिबेट का उस पे ये महानुभाव बात नहीं करेंगे। यही इनकी प्रॉब्लम है हिवानी जी, यही इन लोगों की प्रॉब्लम है। एक फाइनल कमेंट ले लूं। उधर अनिला जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी, अगर थोड़ा थोड़ा समय लेकर आप फाइनल कमेंट दे दें तो फिर भाटी जी और अनुज अत्री जी का भी फाइनल कमेंट हो जाएगा। अनिला जी आप उस वक्त रिएक्ट करना चाह रही थी क्योंकि बड़े सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं भाटी जी। दया आती है जब मैं जो इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं के जो लोग कहते हैं उसको सुनकर, हाँ जो केसेस सब जजिस्ट हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का टैग लगाकर यहाँ पर परोसते हैं, चाहे वो बीके सिंह का हो, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह का हो, चाहे उन्नाव का केस बता दे, चाहे वो हाथरस का केस बता दे, कोई भी केस बता दे, सारे सब जजिस्ट हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नेता ने, प्रवक्ता ने, किसी ने भी कोई भी जो महिला अपमान करता हो, महिला प्राधिकरण में लिप्त हो, किसका मुकदमा लड़ा है? शाहजहां शेख को कौन बचा रहा था? वहां की मुख्यमंत्री बचा रही थी कि नहीं बचा रही थी? यहाँ पर बता दीजिए महिला प्राधिकरण में लिप्त कोई भी व्यक्ति हो और उसको भारतीय जनता पार्टी तो उसका बचाव कर रही हो, एक उदाहरण नहीं दे सकते हैं? यहाँ पर मुस्लिम कौम की महिलाओं की अस्मिता को बचाने के लिए भी अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई, हर घर में जो टॉयलेट बनवाए हैं, क्योंकि जब बहन बेटियां रात को पहुंच करने के लिए खेतों में जाती थी। अनिला जी क्योंकि समय की कमी है, अगर क्विक रिएक्शन यहाँ पर मैं भाटी जी से ले लूं फिर मुझे वाइंड अप करना है, उनको भी थोड़ा सा समय मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास खुद 30 सेकंड बाकी है। भाटी जी नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि महिलाओं के मसले पर राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ के सबको एक भाषा बोलनी चाहिए। सब महिलाएं को, महिलाओं को वर्गों में विभाजित नहीं करना चाहिए। ये बीजेपी की महिलाएं, समाजवादी पार्टी की महिलाएं, कांग्रेस की महिलाएं, सबके लिए भाषा नहीं बदलनी चाहिए। हम एक जैसी भाषा बोलते हैं। हमें स्वाति मालीवाल के मामले पे भी हमें खेद है और हमें जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीजेपी ने अब कह रही है कि वो तो सब ज्यूडिस है मामला, स्वाति मालीवाल के मामले में क्या फैसला आ गया? ठीक है, उसमें तो अभी FIR हुई, अभी तो जांच तक भी नहीं हुई। रोक रही हूं सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और नहीं होनी चाहिए महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति, लेकिन अफसोस की उनके मुद्दे पर राजनीति ही होती आई है। लेकिन बहुत शुक्रिया, समय इतनी इजाजत दे रहा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।